Hello friends, welcome to another session of Cook and Learn. And I'm Amit Vasishth and today I have my mother, Malati Vasishth with me. और आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं मम्मी की एक सिंपल सी प्यारी सी रेसिपी जो हमको बहुत पसंद है और खास करके मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। मम्मा क्या बना रहे हैं आज? आज हम छोले बना रहे हैं। किस स्टाइल के छोले बना रहे हैं? मतलब घर में जैसे बनाते हैं वैसे छोले बनाएंगे। ओके, सो कोई पिंडी छोले नहीं बन रहे, कोई स्पेशल तरीके के छोले नहीं बन रहे, ये है मॉम स्टाइल छोले जो क्विकली बन जाते हैं और आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। शुरू करें मामा? चलिए, पहले हमने ये छोले उबाल के रखेंगे। और ये छोले कितने लिए थे आपने? ये 250 से 300 ग्राम है। और छोले उबालते समय हमने इसमें नमक और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था जिससे ये जल्दी पक जाए। तो मम्मी कैसे शुरू करें? अब हम इसमें छोलों में तड़का लगाएंगे। अब हमने ये कढ़ाई ले लिया है, ये मैं ऑन कर दूं आपके लिए गैस को। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। कितना रिफाइंड ऑयल है? ये एक चम्मच रिफाइंड ऑयल है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक डाल देते हैं जिससे तेल की खुशबू निकल जाए। मम्मी तेल गर्म हो गया हमारा? तेल गर्म हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा, अब मैंने गैस को मंदा कर दिया आपके लिए। थोड़ा सा हम जीरा डाल देते हैं और हमारा ये जीरा गर्म हो रहा है। इसमें हम 3-4 तेज पत्ता और डाल देते हैं छोलों में खुशबू डालने के लिए। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। तो मम्मी ने करीबन 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। अब हम इसमें किसी भी प्याज डाल देंगे। तो प्याज हमने डाल दिया है, मम्मी ने करीबन 1 बड़ा प्याज जो कि एक लार्ज अनियन है वो इसमें प्योरे करके डाला है। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउन का मतलब कितनी देर चलाओगे इसको? जब तक प्याज मतलब ब्राउन नहीं हो जाए तब तक चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलाइए। तो टाइमिंग की कोई बात नहीं है यहाँ पे, जब तक मम्मी ने कहा जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता हम इसे चलाना है। हमारा प्याज है ये ब्राउन हो गया है, इसमें हम हींग डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। तो मम्मी ने करीबन 1/2 टीस्पून ऑलमोस्ट 1/3 टीस्पून हींग डाला है। मेरी तरह बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा कम डाला है। अब हम इसमें चना मसाला डाल देंगे करीबन 3 चम्मच। तो मम्मी मसाले को ऐसे ही पकाना है? नहीं नहीं, अब इसके माथे पे थोड़ा पानी डालते हैं। अच्छा, थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल रहे हैं। और ये कितने टमाटर का प्यूरी है मम्मा? ये 2 टमाटर का। 2 मीडियम टमाटर। जैसा मुझे दिख रहा है टमाटर और प्याज बराबर होने चाहिए, तो 1 लार्ज प्याज थी और 2 मीडियम साइज टमाटर हैं जिनको मामा ने प्योरे करके रख लिया था। अब इसमें हम थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देते हैं। तो मम्मी ने करीबन 1/2 टीस्पून देगी मिर्च इसमें डाल दिया है और थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि हमने छोले उबालते समय भी नमक डाला था इसमें। तो थोड़ा कम डालना है मामा, राइट? हाँ, थोड़ा कम। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो मम्मी ने करीबन 1 मिर्ची डाली है इसमें, हरी मिर्ची, क्योंकि हमने कश्मीरी मिर्च बहुत कम डाली थी तो वो इससे कॉम्पेंसेट हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर प्यूरी डाल रहे हैं करीब 2 चम्मच। ओके, तो ये रंग लाने के लिए मम्मी? हाँ, कलर आने के लिए। तो ये टमाटो प्यूरी है, मम्मा ने बताया कि जब शुरू में मम्मी शादियों की आई थी उस समय टमाटो प्यूरी नहीं होती थी, तब हम नहीं डालते थे, बट अब आजकल क्योंकि अवेलेबल है तो मम्मी ने इसमें 3 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी डाल दिया, कलर भी अच्छा आएगा। अब बताइए मम्मी क्या करना है? अब हम इन छोलों को मसाले के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, तो ये मैं डाल देता हूँ आपके लिए। तो छोले हमने डाल दिए, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब
अब हमारे छोले 15-20 मिनट से पक रहे हैं और कितने गाढ़े और सुंदर बन गए हैं। वाह मम्मी, लग तो बहुत अच्छे रहे हैं, वेरी नाइस। हाँ, सुंदर लग रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी अभी धनिया और गरम मसाला डालेंगे। तो सारे छोले एक तरफ, बाकी छोले एक तरफ, आप देख सकते हैं इतनी सिंपल टेक्निक से 20 मिनट में मामा ने फैंटास्टिक छोले बना दिए। क्या करें मामा, आप बताइए। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देते हैं। चलिए डालिए, करीब आधा चम्मच। बहुत अच्छे, आगे। और इसमें थोड़े सा धनिया डालिए। ये अब हमारे छोले बनकर तैयार हो गए। मेरे को लगता है मम्मी थोड़ा घी डाल दीजिए, आप घी डालती हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कहा था मैंने बहुत ही आसान रेसिपी होगी, बट आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगी। आज तक मुझे बहुत पसंद आती रही है, मेरे सारे दोस्तों को बहुत पसंद आती रही है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मम्मा को थोड़ा सा अप्रिशिएशन दें। सो दोबारा मिलते हैं मम्मी की कुछ क्विक फायर इजी रेसिपीज के साथ। टिल द टाइम वी मीट अगेन, कीप कुकिंग।